जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटड़ी पंचायत समिति में जो बोर्डा गांव है वहां के सरपंच देवीलाल बेरवा जीते थे, और जब वो कार्यभार ग्रहण करने जा रहे थे तो कांग्रेस समर्थित पूर्व सरपंच ने सुनियोजित तरीके से उस पर हमला किया, और हमले की जानकारी पहले भी दे दी थी और घटना के दौरान भी दे दी गई थी। इसके बावजूद पुलिस के अधिकारियों द्वारा समय पर नहीं पहुंचना, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ के थानाधिकारी जो पारोली थाना लगता है, सुशीला काठा थे, सुशीला जी को पहले ही बता दिया गया था कि वहाँ पर इस तरह का माहौल है, लेकिन उनके द्वारा जब कार्रवाई नहीं की गई, मौके पर नहीं पहुँचे और हमला हो गया। हमले के दौरान विधायक महोदय ने उनको फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर ये घटना हो गई है, आप तुरंत पहुँचे। उसके बावजूद भी वो नहीं पहुँचे। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि पारोली थानाधिकारी और कोटरी थानाधिकारी या तो सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं, और या फिर अपराधियों से मिलकर काम कर रहे हैं, और या फिर उनको शायद नौकरी नहीं करनी है, इसलिए वो वहाँ पर कानून से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। वो अपराधियों के साथ में काम करते हैं, रहते हैं, और अपराध घटित होने के बाद भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं, मुकदमा दर्ज कर लेते हैं तो गिरफ्तारी नहीं करते हैं। कुल मिला के वहाँ का ये हाल है कि वहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी क्या मांग है? और भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि जो सरपंच के हमलावर हैं, और एक गरीब आदमी, दलित आदमी, अनुसूचित जाति का आदमी, और आज सौभाग्य से हमारे यहाँ पर एसपी साहब भी है, डिप्टी साहब भी हैं, थानाधिकारी भी हैं, वो सब एससी के होने के बाद में एक एससी के सरपंच के साथ में एक घटना हो जाए, इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। तो हमने मांग की है कि इन दोनों थानाधिकारियों को तुरंत प्रभाव से वहाँ से निलंबित किया जाए, और जो घटना के दोषी हैं उनके खिलाफ जो दर्ज हुआ है मुकदमा उसमें तुरंत गिरफ्तारी हो। यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी।